पनीर लेंगे? हाँ, पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। क्या आपको भी ऐसे लगता है कि बाजार में पनीर इतना ज़्यादा महंगा मिलता है तो वो बनाना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पनीर बनाना, सच बताऊँ तो, बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है और बनेगा एकदम बाजार जैसा। कैसे बनाना है देखते हैं आज के वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं नीलम और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सीजल एंड टेम्पो विद नीलम अब हिंदी में, जहां हम बनाते हैं बहुत ही आसान लेकिन स्वादिष्ट रेसिपी। चलिए, पनीर बनाने की पहली स्टेप मतलब दूध उबालना। इसलिए मैंने एक बर्तन में 1 लीटर दूध लिया है। फुल फैट क्रीम दूध मतलब भैंस का जो दूध होता है वो हम लेंगे। एक बार बर्तन में हमने दूध निकाल लिया, उसके बाद ही हम उसे गैस पर चढ़ाएंगे उबालने के लिए। अब वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी 2 लीटर का भैंस के दूध का पनीर कैसे दिखता है, उसी के साथ 1 लीटर का गाय के दूध का पनीर कैसे दिखता है, ठीक है? अब हम बनाते हैं मिक्सचर जिससे हमें दूध फाड़ना है, तो इसलिए मैंने 3 चम्मच पानी और 3 चम्मच विनेगर यहाँ पर लिया है। अगर आप चाहें तो उसमें नींबू का रस भी डाल सकते हो, दोनों में से कोई एक चीज़ चल जाएगी। हमारा दूध तो यहाँ उबल रहा है। पहला उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम पहले स्लो टू मीडियम रखें, चम्मच से पूरा दूध मिक्स कर लेंगे और उसमें धीरे धीरे करके हमारा जो विनेगर मतलब जो सिरका बोलते हैं हिंदी में वो और पानी का जो मिक्सचर है उसे डालेंगे, या फिर आप नींबू का रस डालना चाहते हो तो उसे डालेंगे। धीरे धीरे करके डालेंगे और चम्मच से सारा दूध हम हिलाएंगे। अब आप देख सकते हो पानी और दूध अलग हो चुके हैं। वो जो हरा पानी दिख रहा है, पूरी तरह से जब हरा पानी दिखना स्टार्ट हो जाए मतलब हमारा दूध अच्छे से फट चुका है। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से फट चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप सुपर सिंपल, हमें दूध को छानना है। उसके लिए किसी भी प्रकार की जो छन्नी आपके पास होगी वो लीजिए। मैंने एक छन्नी के नीचे बर्तन रखा है पानी निकालने के लिए, और यहाँ पे हम एक मलमल का कपड़ा या फिर आपके पास कोई रुमाल होगा बड़ा वाला जो आप किचन के लिए यूज़ करते हो उसे लीजिए, और हमें दूध को छानना है। इधर ये जो पानी हमने छान लिया है इसे फेंकिएगा मत, क्योंकि ये नेचुरल प्रोटीन से भरा हुआ है और इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। कुछ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर किसी को ज़्यादा है तो वो कम होने में मदद मिलती है, उसी के साथ हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट हो सकता है, एजिंग जो हमारी डे बाई डे होती है इससे ये स्लो हो जाएगी और वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे फाइबर वैसे ये पानी हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है, उसी के साथ किडनी फंक्शन भी हेल्दी बनाने में ये मदद करेगा। कितने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, राइट? अब हेल्थ बेनिफिट्स तो मैंने बता दिए, लेकिन इस पानी को यूज़ कैसे करें, राइट? ये सवाल तो आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा। कोई बात नहीं, जहाँ पे भी पानी हम लोग यूज़ करते हैं सादा वाला पानी, उसकी जगह पे हम ये वाला पानी पनीर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे चपाती का आटा हो या पराठे का आटा हो, उसमें हम सादे पानी की जगह पे ये पानी यूज़ कर सकते हैं। आटा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। उसी के साथ बेकिंग के कोई आइटम है जहाँ पे पानी यूज़ होता है, आप उसे रिप्लेस कीजिए पनीर के वे से। पास्ता कुक करना है, पोटैटो बॉयल करने हैं, और रात में मूंग भिगो के रखते हैं हम लोग, या फिर जो भी लेंटिल्स भिगो के रखते हैं दाल वगैरह, तो वो भिगोने के टाइम पे सादे पानी के जगह पे आप ये पानी यूज़ कर लीजिए। बहुत सारे जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, करीज बनानी हो, सूप बनाना हो, वहाँ पे ये पानी यूज़ कर सकते हैं। बस एक करना है, जहाँ पे आप खटास के लिए टमाटो या फिर और कुछ डालते हो तो वो मत डालें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक खटास रहेगी, राइट? और उसी के साथ नेक्स्ट टाइम अगर आपको पनीर बनाना है तो विनेगर का जो पानी हम लोग डालते हैं या फिर नींबू का रस डालते हैं वो डालने की ज़रूरत नहीं है। इस पानी को डालिए दूध फाड़ने के लिए, है ना काम की चीज़? दूध को जो हमने छान लिया था उसे एक बार पानी से अच्छे से धो लेंगे, जिससे वो खटास होती है सिरके की या नींबू की वो निकल जाए। बस अब पूरा पानी हमें निचोड़ के निकाल देना है। जितना हो सके उतना, जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे आप पानी पनीर का निकाल दीजिए। अब ये जो पनीर रुमाल में बचा है उससे आप इंस्टेंटली रसगुल्ले बना सकते हो, पनीर भुर्जी बना सकते हो, या फिर पनीर के पराठे आराम से बना सकते हो। अब नेक्स्ट जो हम पनीर देखेंगे वो जो क्यूब्स रहते हैं जो हम पालक पनीर में या फिर पनीर बटर मसाला में डालते हैं वैसे वाला, तो उसके लिए मैं नॉर्मली एक रबर से रुमाल को बांध देती हूँ।
रबर तो हम टाइट बांधेंगे, लेकिन पनीर से थोड़ा सा दूर थोड़ी जगह रख के हम उसे बांधेंगे, सो दैट जब ऊपर से पनीर हमारा प्रेस होगा तब उसे फैलने के लिए और शेप पकड़ने के लिए जगह मिल जाएगी। अब मैं छन्नी पे रख के थोड़ा सा उसे प्रेस कर रही हूँ सो दैट थोड़ा जो पानी है वो निकल जाए और एक शेप वो अच्छे से पकड़ ले। फाइनली हमें पनीर को सेट रखना है, बहुत ही सिंपल काम है, बस 2 मिनट लगेंगे। मैं यहाँ पे एक छन्नी रखूँगी, उसके ऊपर हम हमारा पनीर का कपड़ा रख देंगे और उसके ऊपर बस हमें एक हेवी सी चीज़ रखनी है। अब मेरे पास ये जो कुकर है वो बहुत हैवी है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी बर्तन उसमें पानी डाल दीजिए और उसे उसके ऊपर रख सकते हो। नॉर्मली मैं जो पनीर बनाती हूँ रात में बनाती हूँ सो दैट वो रात भर में अच्छे से सेट हो जाता है। वैसे देखा जाए तो पनीर 3 से 4 घंटे में सेट हो जाता है, लेकिन अगर आपको जो क्यूब्स हैं वो बाज़ार जैसे चाहिए तो आप रात भर रखिए और सुबह सुबह रुमाल से निकाल दीजिए और आप देख सकते हो आपका पनीर एकदम रेडी है। अब मैं यहाँ पे लेंथवाइज पीसेस करूँगी और आप यहाँ देख सकते हो हमारा पनीर बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब इस पनीर को यूज़ करने से पहले या फिर इसे अगर हमें 3 से 4 दिन के लिए स्टोर करना है तो हम इसे पहले डिब्बे में रखेंगे सारे पनीर के पीसेस को और उसके ऊपर हम डालेंगे पानी। जी हाँ, पानी में पनीर पूरी तरह से डूब जाना चाहिए और फिर इस डिब्बे को हम रखेंगे फ्रिज के अंदर। अगर आपको आज ही यूज़ करना है तो 2 से 3 घंटे के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में उसे अच्छे से रख सकते हो। अब जब यूज़ करना है तब आप पानी निकाल देना और देखिए हमने यहाँ पे पीस किए हैं, एकदम बाज़ार जैसे पनीर दिख रहा है ना हमारा। तो ये पनीर बनाने के लिए हमने यूज़ किया था फुल फैट क्रीम मिल्क 1 लीटर और उससे हमें अच्छा खासा पनीर मिल चुका है। बस थोड़ा सा जो क्यूब में सेट नहीं हुआ है उसे हम किसी भी सब्ज़ी के गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो हमें पहले से लगता आ रहा है कि पनीर बहुत महंगा है, बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन हमने तो बना लिया बहुत सस्ते में और बहुत ही कम मेहनत में, तो है ना सिंपल रेसिपी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखाऊंगी 2 लीटर का फुल फैट क्रीम मिल्क से पनीर कैसे दिखता है। सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, बस ये पनीर जो बनेगा वो थोड़ा मोटा और फ्लफ़ी रहेगा, ज़्यादा लोगों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अब ये जो पनीर मैं दिखा रही हूँ ये मैंने 1 लीटर गाय के दूध से बनाया था। ऑब्वियसली थिन है लेकिन आप बना सकते हो, कभी कभी गाय का दूध बच जाता है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से ये पनीर बना सकते हो और 3 से 4 लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेसिपी के नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए और उसी के बाजू में जो बेल आइकन है अगर आप उसे क्लिक करोगे तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।